हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन, तो चलो चलते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। ठंड तो काफ़ी है बाहर, बट कैसे तैसे मैं पहुंच गई कार तक। अगर आप दिल्ली से सफ़र कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, बदरपुर पे आपको सारे कार इको मिल जाएंगे जस्ट फॉर 200 रुपीज़ और 150 रुपीज़, जो आपको वृंदावन ड्रॉप करेगी। गोवर्धन भी जाता है, कुछ बरसाने भी जाते हैं, कुछ आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हम वृंदावन में उतरने के बाद हमने किया था ऑटो। जहाँ पे मंदिर स्टार्ट होता है वो है, सबसे पहले मंदिर है वैष्णो देवी माँ का मंदिर, वहाँ पे जाना बिल्कुल मत भूलना। हमने गलती कर दी थी, हमें लगा पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे हम, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। जैसे ही मैं सुबह पहुँची 9 बजे बांके बिहारी मंदिर, इतनी भीड़, मतलब सिक्योरिटी मतलब कोई काम ही नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ पे दर्शन तो हुए ही हुए, इतनी अच्छे से डेकोरेशन वगैरह हो रखा था, पर मेरे को ऑनेस्टली सांस नहीं आ रही थी। ये है बांके बिहारी जी मंदिर, जो कि बड़े ही प्यारा मंदिर है, पर क्या बोलूँ। उसके बाद मैंने लस्सी पी थोड़ी सी, और अभी बच रहे समथिंग 12। मेरा इतना सौभाग्य था कि मैंने आरती तक देखी, आरती का आनंद लिया, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब मैं स्पॉट से निकल रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे ना ग्रुप लाइव आ रखा, तो मैं फिर वापस भाग कर गई इस्कॉन टेम्पल में उनसे मिलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप से मिलने के लिए। आप भी जानते होंगे इन लोगों को, आई होप सो, इनोसेंट सोल के नाम से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो वहाँ पर मिले मेरे को, फिर मैंने उनके साथ पिक क्लिक करवाई थोड़ी बहुत, फिर मैंने बिरयानी खाई वहाँ से आने के बाद। और अभी बज रहे थे 1:30 या फिर 1:20, और मैं प्रेम मंदिर आई इतने अच्छे मतलब प्रेम भाव के साथ। लेकिन यहाँ पे प्रेम मंदिर तो आए थे पर भाई चल चल के थक गए, और किसी ने ना मेरे मार और भाई अभी तक चल। और फाइनली मैं केशी घाट आ पहुँची, बहुत मुश्किल से आ पहुँची, मैं बता नहीं सकती थी तकलीफ भाई। फाइनली यहाँ की इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना मेरे को, क्या बताऊँ। और कल यहाँ पे होली स्टार्ट है, और निधि वन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद हमको वहाँ से भी निकलना पड़ा जल्दी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद हम जा पहुँचे प्रेम मंदिर, फाइनली सुकून। नहीं, पूरा वृंदावन ही सुकून है, पर प्रेम मंदिर को देखे है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है हर बार की तरह। तो अब हेलो खाए कई नीड है रेस्ट की। और प्रेम मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम वहाँ से निकल आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हमें और भी मंदिर एक्सप्लोर करना था, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी भीड़ में। भाई फाइनली मैं घर आ गई, और घर आने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है आज। आज बहुत ज़्यादा मतलब घर आने में सुकून मिल रहा है मुझे यार। एक तो होली का टाइम है,
ऊपर से भाई वृंदावन में भाई पैर रखने की जगह भी नहीं है भाई, सांस लेने की तो बिल्कुल ही नहीं है, वो स्पेशली बांके बिहारी और निधिवन में। भाई हालत ख़राब हो गई आज बहुत ज़्यादा, मैं हर बार बहुत इंजॉय करके आती हूँ पर आज जो हालत हुई है ना सीरियसली क्या बताऊँ मैं, अब बस दिल यही कर रहा है सो जाऊँ बस बाय करके ब्लॉग को, ठीक है। पैर भाई पैर बिल्कुल गए मेरे, पूरे सूजन हो चुके पैर में, बट कोई नहीं यार, राधे श्याम बोलो और सो जाओ, सारे काम भी बनेंगे और सब ठीक भी हो जाएगा, है ना। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे टू ऑल। आप भी अपना होली एंजॉय करना, मैं भी अपना होली एंजॉय करूँगी, ठीक है। लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।